हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर का जो सिस्टम यूनिट होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू के अंदर क्या क्या पीसी पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स होता है, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट, क्योंकि वो पूरा सिस्टम यूनिट होता है। उसके अंदर मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, जो भी है, इतना सारा पार्ट्स लगा हुआ होता है, वो इसके अंदर असेंबल होता है। तो ये जो सिस्टम यूनिट होता है, तो इसको हम नॉर्मली सीपीयू बोलते हैं। तो सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको ये समझना होगा, जो ये सिस्टम यूनिट जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो है सिस्टम यूनिट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कैबिनेट बोलते हैं। ये जो ये सिर्फ एक केस है, इसके अंदर ही सारा कुछ लगता है, तो इसको मिलके हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं। तो ये जो कैबिनेट है, इसके अंदर क्या क्या लगता है, तो इसके अंदर जो पहला पार्ट्स हम देखेंगे, तो इसके अंदर जो है मेन पार्ट्स मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है, ये मेन बोर्ड होता है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो है मेन बोर्ड है। तो इसके अंदर ही आपका प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क सब कुछ इसके अंदर अटैच होता है। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं, ये जो जगह है, यहाँ पे प्रोसेसर लगता है। प्रोसेसर के ऊपर आपका उसके अंदर फैन भी लगता है, प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर हीट हो जाता है, तो एक फैन लगा होता है, हीट सिंक लगा होता है, क्योंकि हीट को बाहर फेंकना होता है फैन के थ्रू। तो यहाँ पे प्रोसेसर लगता है। प्रोसेसर के साथ साथ आप यहाँ पे जो ये दो स्लॉट देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, ये जो दो स्लॉट दिया हुआ है, इसमें रैम लगता है। तो रैम जो हम लगाते हैं, या इसी जगह पे लगाते हैं, दो स्लॉट दिया होता है। मान लीजिए आपका मदरबोर्ड मैक्सिमम 16 GB या 32 GB का रैम सपोर्ट करता है। अगर 32 GB का रैम सपोर्ट करेगा, तो इसमें जो है 16 16 करके दो रैम आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकते हैं, तो इसमें आप ग्राफिक्स कार्ड भी यूज अटैच कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये दोनों स्टोरेज डिवाइस है। तो स्टोरेज डिवाइस भी आपका उस कैबिनेट के अंदर लगता है। तो स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क, एसएसडी, दो तरह का स्टोरेज डिवाइस आजकल लगता है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, हार्ड डिस्क जो होता है वो क्या होता है, इसका प्राइस थोड़ा कम होता है। एसएसडी का प्राइस हार्ड डिस्क से डबल से भी ज़्यादा होता है, और हार्ड डिस्क जो है थोड़ा वेट ज़्यादा होता है। उसके अंदर एक मोटर होता है, जो इतना स्पीड से वो मोटर घूमेगा, उसका स्पीड उतना ज़्यादा होता है। लेकिन एसएसडी के अंदर कोई मोटर नहीं होता है, वो बहुत लाइट वेट होता है, मेमोरी कार्ड की तरह हल्का होता है। जैसे मोबाइल का मेमोरी कार्ड होता है, एसडी कार्ड होता है, उसकी तरह लाइट वेट होता है। तो उसी टेक्नोलॉजी से ये बनाया गया है। तो इसका जो स्पीड है, बहुत ज़्यादा होता है हार्ड डिस्क से। तो जो स्पीड, कौन सा स्पीड ज़्यादा होता है, जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो ऑन करने में जो टाइम लगता है, मतलब हार्ड डिस्क से जो रैम में आता है, प्राइमरी मेमोरी में जो आता है, सेकेंडरी मेमोरी से जो बूटिंग टाइम है, वो मतलब कम लगता है। ऐसा नहीं कि आपका कंप्यूटर फास्ट चलने लगेगा, वो तो आपके प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका कंप्यूटर कितना फास्ट चलेगा। बस बूटिंग टाइम कम लगता है। कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, वो हार्ड डिस्क से एसएसडी में, हार्ड डिस्क से रैम में आने में कितना टाइम लगाता है, वही होता है बूटिंग टाइम, मतलब जो ओपनिंग टाइम होता है, तो वो कम लगता है एसएसडी में, और कुछ नहीं होता है। अगर आपको नॉर्मल काम के लिए आपको चाहिए, तो आप हार्ड डिस्क लगा सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कुछ सेकंड का आपको फर्क नहीं लगेगा। तो आप हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, एसएसडी लगाएंगे तो आपको कैसे फायदा होगा। एसएसडी जैसे आप गेम खेलते हैं, तो गेम का लोडिंग होने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि गेम का साइज बहुत बड़ा होता है। तो उसमें जो है हार्ड डिस्क से रैम में आने में टाइम लगता है, तब आप एसएसडी लगाएंगे तो आपको फायदा दिखेगा, क्योंकि आपका गेम जो है बहुत जल्दी लोड हो जाएगा। तो ये होता है हार्ड डिस्क और एसएसडी में। लेकिन आपका हार्ड डिस्क से एसएसडी का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, तो आप अगर नॉर्मल काम के लिए हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद जो है, ये जो है प्रोसेसर, तो आप अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो होता है प्रोसेसर, तो ये इंटेल कोर i7 प्रोसेसर है। प्रोसेसर के ऊपर आपका पूरा सिस्टम जो है, कंप्यूटर जो है, वो डिपेंड करेगा। आप जैसा प्रोसेसर लगाएंगे, उस हिसाब से आपका कंप्यूटर में क्या क्या काम होगा, उस क्या काम उसमें चलेगा, वीडियो एडिटिंग होगा या नहीं, गेमिंग होगा या नहीं, तो वो प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकता है। क्योंकि प्रोसेसर ही है कंप्यूटर का हार्ट और ब्रेन, जिसको बोला जाता है। प्रोसेसर ही कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोसेसर। तो ये प्रोसेसर जो है, जितना ज़्यादा फास्ट होगा, मतलब कैसे फास्ट होगा, इसका जो स्पीड जो है गीगाहर्ट्ज़ में हम काउंट करते हैं, तो इस जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ का स्पीड होगा, जितना अच्छा जनरेशन, लेटेस्ट जनरेशन का होगा, उतना ज़्यादा फास्ट होगा। तो ये प्रोसेसर जितना फास्ट होगा, आपका कंप्यूटर उतना फास्ट काम करेगा। तो ये प्रोसेसर भी आपका कंप्यूटर के उस सिस्टम यूनिट के अंदर लगता है। उसके बाद जो है रैम, रैम जो है प्राइमरी मेमोरी। तो जितना काम होता है कंप्यूटर के अंदर, जो भी हम काम करते हैं, जो काम चल रहा होता है, रन होता है, वो रैम में होता है। तो रैम हार्ड डिस्क से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, स्टोरेज डिवाइस से बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है। तो रैम में सारा काम होता है,
तो रैम 4 GB, 8 GB, 16 GB ऐसा आप रैम मान सकते हैं, और उसके अंदर जितना भी काम करते हैं आप रैम के अंदर होता है, और जब भी आप सेव करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है, और अगर डिलीट कर देंगे किसी भी फाइल को तो वो हार्ड डिस्क में सेव नहीं होता, डायरेक्टली रैम से डिलीट हो जाता है। उसके बाद जो है ये जो आप देख रहे हैं ये होता है पावर सप्लाई, ये जो पूरा सिस्टम को पावर देता है। तो ये जो पावर सप्लाई है, अगर गेमिंग के लिए आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो पावर सप्लाई आपको अच्छा चाहिए गेमिंग या वीडियो एडिटिंग के लिए, क्योंकि उसमें ग्राफिक्स कार्ड भी लगाना है तो उसमें जो है पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा, तो आपको अच्छा क्वालिटी का पावर सप्लाई आपको चाहिए। नॉर्मल अगर कंप्यूटर पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो उतना अच्छा आपको पावर सप्लाई नहीं चाहिए, उतना ज़्यादा नॉर्मल पावर सप्लाई होने से भी आपका काम चल जाएगा। तो ये जो पावर सप्लाई है आपके पूरे सिस्टम को पावर देता है। तो आज के इस वीडियो में इतना, वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।